हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रेलफेन यतिन में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आप लोग जैसे कि टाइटल को देखकर जान ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ बांदीकुई रेलवे स्टेशन से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में। तो आज अपन इस वीडियो में कवर करेंगे प्लेटफॉर्म्स, स्टेशन कब बना था, स्टेशन में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में, फूड के बारे में, इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट जानेंगे और भी बहुत सी बातों के बारे में जानेंगे कि कितनी ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कितनी ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट होती हैं, कितनी ट्रेनों का यहाँ पर होल्ट है। तो इन सभी बातों के बारे में आज मैं आप लोगों से बांदीकुई के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अपन पहला पॉइंट उठाते हैं तो अपन बात करते हैं बांदीकुई रेलवे स्टेशन कब बना था, यानी कि स्थापना कब हुई थी। तो बांदीकुई रेलवे स्टेशन की स्थापना अप्रैल 1874 में हुई थी। बांदीकुई रेलवे स्टेशन राजस्थान राज्य में स्थित रेलवे स्टेशन है और यह दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से डिस्टेंस की बात करूं कि बांदीकुई रेलवे स्टेशन से सबसे पास और जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वह कौन सा है, तो बांदीकुई रेलवे स्टेशन से सबसे पास रेलवे स्टेशन है जयपुर रेलवे स्टेशन, जिसकी डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। बांदीकुई रेलवे स्टेशन के अगर अपन कोड की बात करें कि अपना बांदीकुई रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है, तो बांदीकुई रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BKI। दोस्तों, बांदीकुई रेलवे स्टेशन को अगर अपन दर्जे में ले तो जयपुर और आगरा के बीच बांदीकुई रेलवे स्टेशन बहुत ही बड़ा स्टेशन माना जाता है और दिल्ली और जयपुर के बीच भी बांदीकुई रेलवे स्टेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो दोस्तों, बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर अगर अपन प्लेटफॉर्म्स की संख्या की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर है 6। जी हाँ दोस्तों, 6 प्लेटफॉर्म्स है बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि बांदीकुई रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन कब चली थी, तो बांदीकुई रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन 1874 में बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच चली थी। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि बांदीकुई रेलवे स्टेशन किस जोन में आता है। बांदीकुई रेलवे स्टेशन आता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बांदीकुई रेलवे स्टेशन की अगर अपन डिवीज़न की बात करें तो बांदीकुई रेलवे स्टेशन जयपुर डिवीज़न के अंदर आता है, NWR जोन और डिवीज़न जयपुर। दोस्तों, बांदीकुई रेलवे स्टेशन को जंक्शन बोला जाता है। तो जंक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से 3 लाइनें निकलती हैं। जो पहली लाइनें निकलती है वह है बांदीकुई दिल्ली होती है, बांदीकुई अलवर दिल्ली। जो दूसरी लाइन है वह है बांदीकुई अहमदाबाद वाया जयपुर अजमेर। और जो तीसरी लाइन है वह है बांदीकुई आगरा वाया भरतपुर। तो दोस्तों, इन 3 लाइनों के कारण बांदीकुई रेलवे स्टेशन को जंक्शन बोला जाता है। तो दोस्तों, अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक उठाएं कि इलेक्ट्रिफिकेशन के क्या अपडेट है बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली बांदीकुई ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है, CRC इंस्पेक्शन भी हो चुका है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर, उसमें भी मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर बताया था। तो अलवर बांदीकुई का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा है विद CRS इंस्पेक्शन। तो दोस्तों, अगर दूसरी लाइन की बात करें बांदीकुई अहमदाबाद, तो बांदीकुई से जयपुर तक का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट है, बट जो CRS इंस्पेक्शन हुआ है वह हुआ है बांदीकुई से बस्सी रेलवे स्टेशन के बीच। बस्सी रेलवे स्टेशन से जयपुर की दूरी 33 किलोमीटर है। दोस्तों, जो तीसरी लाइन है वह है बांदीकुई आगरा। तो दोस्तों, बांदीकुई आगरा के बीच का इलेक्ट्रिफिकेशन तो कंप्लीट है, बट CRS इंस्पेक्शन अभी बाकी है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन्स की, कि कितनी ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कितनी ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट होती हैं और कितनी ट्रेनें यहाँ पर होल्ड करती हैं। तो दोस्तों, टोटल ट्रेनें जो होल्ड करती हैं उनकी संख्या है 72 और यहाँ से 4 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 4 ही ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। तो 72 ट्रेनें प्रतिदिन बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर होल्ड करती है, जिनकी संख्या लगभग 50 से 60 के बीच रहती है।
दोस्तों बांदीकुई रेलवे स्टेशन बड़ा रेलवे स्टेशन होने के बावजूद यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ की कई ट्रेनें नहीं रुकती हैं। मैं आपसे कुछ गिनी चुनी ट्रेनों के नाम लूँगा जिनका होल्ट बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर नहीं है। इनमें से एक ट्रेन आती है दिल्ली से चलकर जयपुर के बीच जाने वाली दिल्ली सराय रोहिला जयपुर डबल डेकर एक्सप्रेस। यह ट्रेन बांदीकुई रेलवे स्टेशन नहीं रुकती है। अगर दूसरी ट्रेन का नाम लूँ तो वह है राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली सराय रोहिला से जोधपुर के बीच चलती है। तो राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का भी बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर होल्ट नहीं दिया गया है। अगर तीसरी ट्रेन की बात करूं तो वह है अजमेर से चलकर सियालदह की ओर जाने वाली अजमेर सियालदह सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका होल्ट बांदीकुई रेलवे स्टेशन नहीं दिया गया है, जो कि जयपुर से चलकर सीधी भरतपुर रुकती है। तो ये थी कुछ गिनी चुनी ट्रेनें जो जिनका होल्ट बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर नहीं है। दोस्तों अगर मैं आपसे फूड की बात करूं तो बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर खाने पीने का ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाता है। स्नैक्स हो, डिनर हो, कुछ भी हो, बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर फूड से रिलेटेड आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। अगर फैसिलिटीज़ से रिलेटेड बात करूं तो बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर फैसिलिटीज़ और अदर स्टेशन के मुकाबले थोड़ी कम है, यानी कि वेटिंग रूम्स हैं बट इतने नहीं हैं। तो बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट सारी जानकारी बांदीकुई रेलवे स्टेशन से रिलेटेड आप सभी को दे दी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप में से कई लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने हैं जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो मैं प्रेस द बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, जिससे मैं अपनी वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको भी अपने किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।